अली बाबा दास्ताए काबुल फेम एक्टर सीजान खान पर तुनिशा शर्मा को सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप लगा है, जिसके चलते उन्हें पुलिस रिमांड में रखा गया है। सीजान के हिरासत में लिए जाने के बाद उनकी दोनों बहनों ने फैंस और मीडिया से प्राइवेसी की गुहार लगाई है। सीजान खान कई टीवी सीरियल्स में काम कर चुके हैं और एक्टर की तरह उनकी दोनों बहनें भी टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस हैं। सीजान खान की दो बहनें हैं, शफक नाज और फलक नाज। दोनों बहनों ने टीवी पर एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। शफक नाज ने महाभारत में कुंती और चिड़ियाघर में मयूरी के रोल से पॉपुलरिटी हासिल की है। वह गुम है किसी के प्यार में भी नज़र आ चुकी हैं। वहीं फलक नाज ससुराल सिमिर का महाकाली, विष या अमृत सितारा और राम सिया के लव कुश जैसे फेमस शोज में काम कर चुकी हैं और दोनों अक्सर एक दूसरे के साथ फ़ोटो शेयर करती रहती हैं। वहीं तुनिशा शर्मा के सुसाइड करने से पहले उनके एक्स बॉयफ्रेंड सीजान खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तुनिशा की फैमिली ने एक्ट्रेस की मौत का जिम्मेदार सीजान खान को बताया है। सीजान पुलिस कस्टडी में है, उनसे पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। सीजान को कुछ दिन पहले ही कोर्ट में पेश किया गया था और पुलिस सीजान को जिस तरह घसीटते हुए ले जा रही है उस पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। सीजान को कोर्ट में ले जाते समय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सीजान ब्लू कलर की हुडी और जीन्स में नज़र आ रहे हैं। सीजान नंगे पाँव हैं, उन्होंने पैरों में चप्पल तक नहीं पहनी है और पुलिस सीजान को कार से घसीटते हुए ले जा रही है। दरअसल पेपराजी और लोगों की भीड़ वहां पर जमा हो गई थी, इसलिए पुलिस उनसे बचने के लिए तेज़ी से सीजान को खींचते हुए ले जाती नज़र आई। लेकिन लोगों को पुलिस का ये तरीका पसंद नहीं आया। पुलिस सीजान को जिस तरह बिना चप्पल के सड़क पर घसीट रही है उस पर लोगों ने नाराज़गी जाहिर की है। वहीं तुनिशा शर्मा और सीजान खान एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे, लेकिन फिर सीजान ने तुनिशा के साथ ब्रेकअप कर लिया और ब्रेकअप की वजह से तुनिशा तनाव में थी। वहीं तुनिशा की फैमिली ने भी सीजान पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। तुनिशा की मां का कहना है कि सीजान ने तुनिशा को धोखा दिया है।